नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। काफ़ी लोगों का सवाल आते रहता है कि भाई हैप्पी पिल्स कौन सी है डिप्रेशन के लिए। हैप्पी पिल्स मैं डिप्रेशन लगता है, मतलब चिड़चिड़ापन होता है, नर्वसनेस है, उदासीनता है, कभी ठीक नहीं लगता है, मूड ठीक नहीं है, है ना कुछ झंझट झगड़ा प्रॉब्लम्स इरिटेबिलिटी आते रहती है और फिर थोड़ा मूड डाउन हो जाता है। कभी छोटी सी खाती न्यूज़ सवेरे आती है किसकी किसका फ़ोन आ जाता है, कोई पैसे मांग लेता है, कोई कुछ आपको उल्टा पुल्टा बोल देता है और फिर उसका सामना आप नहीं कर सकते, अपना अंदर फिर मूड खराब हो जाता है। घर में कभी कभी तू-तू मैं-मैं हो जाती है और उसके बाद में भी फिर मूड डाउन हो जाता है। कभी कोई स्टाफ लेट आ जाता है, इम्पॉर्टेंट आदमी है काम करने वाला, वो लेट आता है, अपना काम सब चौपट हो जाता है। या फिर किससे पैसे आने वाले थे, अचानक फ़ोन आता है कि हम पैसे नहीं दे सकते अभी, और आप फिर तकलीफ़ में आ जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स रोज के जीवन में आते रहते हैं जिससे आपको स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, निगेटिविटी आती है और उसमें लोग पूछते हैं कि थोड़ा सा ऐसा बताओ कि जिससे अच्छा लगेगा। तो उसमें तो हम बोलते हैं कि भाई पहले दवा डाल दो, पहली बात कि दवा लेने ही नहीं, आप अंदर से कैसा हमारा जो मेंटल स्टेट है, जो इक्विलिब्रियम है, वो कैसा स्टेबल रख सकते हैं, तो वो करो पहले। उसके अलग वीडियोज़ मेरे हैं और उसके साथ साथ हैप्पी पिल्स कौन सी है, तो एक है मोडाफिनिल। मोडाफिनिल जो ड्रग है, जो सॉल्ट है, 100 to 200 milligrams यदि आप लेते हो, और इसके लिए आपको प्रोफेशनल की सलाह लेनी पड़ेगी, तो 100 to 200 milligrams या 300 milligrams पर डे लेते हैं तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। नंबर एक, बुप्रोपियन करके एक आता है सॉल्ट, बुप्रोपियन, तो बुप्रोपियन सॉल्ट से भी काफ़ी अच्छा लगता है, लोगों को इरिटेबिलिटी निकल जाती है और थोड़ा सा मूड भी ठीक लगता है, मूड अप हो जाता है और अच्छा लगता है। फिर SSRI जो है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर्स, SSRI, तो उसमें फ्लुओक्सेटिन, सरेट्रालिन, एसिटालोप्राम, ये दवाई आती है, फ्लुओक्सामिन, तो ये दवाई से भी मूड अच्छा हो जाता है। कभी मूड तो अच्छा है मगर लोगों को बहुत टेंशन आता है, एंग्जाइटी आती है, ऐसा घबराहट हो जाती है, उनको लगता है कि बाप रे, रेस्टलेसनेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, तो उसमें हम देते हैं अल्प्राजोलाम, और अल्प्राजोलाम है, क्लोनेसिपाम है। अब ये सभी दवाई आपको ओवर द काउंटर मिलती नहीं है, मतलब आपको आपके प्रोफेशनल से बात करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल सलाह लेनी पड़ेगी और डॉक्टर से बातचीत करके प्रिस्क्रिप्शन लेके आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है और आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको मैंने ये दवाई दे दिया और उन्होंने एक 7-8 दिन लिया, बोले कि हमारा डाइजेशन भी अच्छा हो गया, हमारी नींद भी अच्छी हो गई, मूड भी अच्छा हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा। उनको एक्चुअली था डिस्थाइमिया, मतलब कवर्ड डिप्रेशन, बाहर ही सब ठीक लगता था, मूड ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, मगर एक बॉडीली सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन वो थे, डिप्रेशन वो बाहर आ रहा था बॉडीली सिम्टम्स से और उनको सब ये ठीक हो गया, मतलब टेंशन हेडेक भी खत्म हो गया, भूख भी लगने लगी, नींद आने लगी, चिड़चिड़ापन ठीक हो गया और एकदम अच्छा लगने लगा। ये बहुत अच्छा होता है, ये दवाई लिया तो काफ़ी फ़ायदा होता है, तो आप दवाई का ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज, 6 to 8 kilometers चलना, नंबर एक। नंबर दो, रेगुलर डाइट जिसमें शुगर कम हो, नमक कम है, सफ़ेद चीज़ें कम है, रेगुलर नींद 6 to 8 hours, सेल्फ हिप्नोसिस, स्वसम्मोहन प्रैक्टिस, मेडिटेशन, हॉबी डेवलप करना, ये सब आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।